हेलो गाइस, तो आज हम आ चुके हैं परिताल घूमने के लिए यहाँ पर। और परिताल का जो रास्ता है, वैसे तो इतना डिफ़िकल्टी भी नहीं है, लेकिन रास्ता बना हुआ है पहाड़ी से, थोड़ा सा नीचे रोड से नीचे उतर करके जाना पड़ता है। अभी मैं नीचे की साइड में जा रहा हूँ, और बाकी का जो आगे का रास्ता है पूरा रास्ता मैं आपको दिखा दूँगा यहाँ से कि आपको कहाँ से किधर की साइड से जाना है। और जो परिताल है वहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूँगा कि कहाँ पर है, किस जगह पर है, किस लोकेशन पर है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूँगा। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहें, मज़े करते रहें। लेकिन एक सेकंड, सबसे पहले आपको भीमताल आ जाना है। तो भीमताल से परिताल की जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर भीमताल से परिताल 5 किलोमीटर चल करके खोटानी रोड आ जाता है। वो खोटानी रोड से आपको 7 किलोमीटर चलना है। 7 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक 7 किलोमीटर चलने के बाद आपको वही एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी परिताल की। उस रोड से फिर नीचे की साइड में आपको वहाँ से उतर जाना है। तो अभी नीचे की साइड में हम उतर चुके हैं और पैदल पैदल चल करके जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा दूर। ये मेरे भाई लोग जो साथ में ग्रुप आया है, ग्रुप के लोग चल रहे हैं और हम भी उतर करके नीचे की साइड में जा रहे हैं। यहाँ नीचे एक गांव भी बसा हुआ है। अभी मैं जो और पास जाता हूँ, और चलते चलते आधे रास्ते पर आए हैं। बड़ा शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के बीच में से यहाँ कोसी नदी निकल कर बह करके जा रही है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल अभी मैं नीचे चल के कोसी नदी भी दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ नीचे नदी के किनारे, और अभी हमें चल करके इधर से दूसरी तरफ से इधर से नदी बह करके आ रही है, तो इधर की साइड से अभी हम वाटरफॉल की तरफ जाना है। तो अभी हम चलते हैं धीरे धीरे वहाँ पर, और आगे का रास्ता आपको दिखाते हैं। अभी इस लोकेशन पर आ चुके हैं। यहाँ पर बीच में एक छोटा सा गांव पड़ता है, यहाँ एक छोटी सी शॉप भी है। यहाँ से अभी हम कुछ सामान लेना है, कुछ सामान खाने पीने के लिए लेकर के फिर हम वाटरफॉल की तरफ जाने वाले हैं। और ये देखिए मेरे भाई लोग सब साथ में हैं। ये है फरहान भाई, और ये है तफसीर भाई, और ये ध्यान भाई, आप इनको तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये सारे जितने भी नेचर पॉइंट हम जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ ये हमारे साथ होते हैं। ये कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो है हम निकल रहे हैं, थोड़ा पानी वानी बोतल में लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पानी की नहीं दिक्कत आती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, नहीं मिलता है तो पानी हम नहीं पी सकते। तो अभी फिर ये फंस गया, आगे आगे चलते हैं ऐसे ही। और यहाँ पर भाई लोग हमारे कुछ ना कुछ सामान ले रहे हैं, सबको भूख लगने लगी है पैदल चलते चलते। अभी हम वहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँच जाएं, फिर आपको वहाँ की सारी लोकेशन दिखाता हूँ और जो डिटेल है वो भी बता दूंगा। तो ऐसे ही बने रहें, मज़े करते रहें। सो फाइनली जिस लोकेशन पर पहुँचना था उस लोकेशन पर हम पहुँच चुके हैं, और बस अभी 2 कदम दूर और हम फिर अपनी मंजिल पर। और ये है परियों का ताल, जिसको बोलते हैं परिताल, और एक वाटरफॉल भी गिरा यहाँ से। तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वाटरफॉल दिखा रहा हूँ, इससे पहले वीडियो को जरूर लाइक कर लेना। और ये है यहाँ ताल, और ये है यहाँ का वाटरफॉल जो निकल कर आ रहा है। क्या सीन है।
और बस एक बात का आप लोग ख्याल रखना, रास्ते जो मैंने आपको अभी शॉप दिखाई थी वहाँ से लाइफ जैकेट मिलती है। अगर आपको स्विमिंग करनी नहीं आती है तो आप वहाँ से लाइफ जैकेट लेकर के ही आएँ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप जो वाटरफॉल दिखाई दे रहा है वहाँ तक भी जा सकेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके हमें बताना आपको जगह कैसी लगी है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलेंगे फिर हम ऐसे ही किसी नए नेचर व्यू पर, ऐसे ही कहीं ना कहीं आपको, तो बने रहें हमारे चैनल पर। मिलते हैं फिर। जय भारत, जय हिंद।